क्या तुम्हें पता अक्षय कुमार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सहजादा बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और वेलकम 3 बनने जा रही है, लेकिन कब? तो चलो यार इन्हीं टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के खिलाड़ी साहब पिछले कुछ दिनों से काफी जोर शोर से अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी को प्रमोट कर रहे हैं और कल एक इवेंट में प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन किसका सिद्धार्थ? सेल्फी का। हाँ तो यार जैसा उनकी फिल्म का नाम सेल्फी है और उन्होंने सेल्फी का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। खिलाड़ी साहब ने 3 मिनट के अंदर 184 सेल्फी लेने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि पहले जेम्स स्मिथ के नाम था जिन्होंने 168 सेल्फी ली थी, और उनसे भी पहले ड्वेन जॉनसन के नाम था जिन्होंने 105 सेल्फी ली थी। लेकिन अक्षय कुमार इन दोनों काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। भले ही शाहरुख खान ने 1,000 करोड़ रुपए ही क्यों ना कमाया, लेकिन नाम सिर्फ अक्षय कुमार का हो रहा है। एक तो इंडिया सबसे बड़ी फ्रेंचाइज के पार्ट 3 का अनाउंस हो जाना, जिस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख लेना। और ऊपर से अक्षय कुमार की एक और मूवी के सिक्वल की आने की खबरों का तेज हो जाना। अकॉर्डिंग टाइम्स ऑफ इंडिया अक्षय कुमार की वेलकम का सिक्वल आने वाला है, जिससे फैंस तो काफी खुश हैं। बट दिक्कत ये है कि इस बार वेलकम के सिक्वल में अक्षय कुमार तो होंगे, लेकिन उनके साथ अनिल कपूर नाना पाटेकर नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जगह अरशद वारसी संजय दत्त होंगे, जो कि सुन के थोड़ा सा धक्का जरूर लगा। वेलकम मूवी में हीरो से ज्यादा विलन वाले रोल की इंपॉर्टेंस थी। कहानी तो यार हीरो के इर्द गिर्द ही थी, बट जो मेन रोल था वो मजनू उदय शेट्टी का ही था। अब यार आप उन्हीं दोनों को निकाल के किसी और को ले आओगे तो कैसे चलेगा? अब देखो ना, जब वेलकम का सिक्वल आया था जो कि डिजास्टर हो गया था, डायरेक्टर भी सेम था, लेकिन उसने भी अच्छा भला काम इन्हीं दोनों ने किया था। वैसे यार कुछ वेरीफाइड सोशल मीडिया पेज हैं जो ये कह रहे हैं कि वेलकम 3 में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अरशद वारसी, संजय दत्त, इन सबको लिया जाएगा, और यही सच हो तो ज्यादा अच्छा है। अब बढ़ते हैं सहजादा की तरफ। लेकिन अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। सहजादा को रिलीज हुए टोटल 5 दिन हो गए और फिल्म शुरू से लेकर अब तक कलेक्शन के नाम पे सिर्फ हार रही है। सहजादा ने 5 दिन में सिर्फ 24 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन किया है, जो कि कार्तिक आर्यन की पिछली फ्लॉप फिल्म लव आजकल 2 से भी कम है, जबकि उसने सिर्फ 3 दिनों में 24 करोड़ 92 लाख रुपए कलेक्शन कर दिया था। अब इस मूवी के बारे में और बात करने से कोई फायदा नहीं है, तो चलो यार वीडियो यही खत्म होती है। नया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलेगा इसे धार देखो नई वीडियो के साथ।